सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, हजरत इमाम हुसैन को बच्चों के सामने जबा कर दिया गया, और एक दौर वो भी आया कि मिंबरों पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती थी। ये तारीख में ये दौर भी आया, आप पढ़ें तारीख, बनू उमैया कैसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, मन सब्बा अली फकद सब्बा नहीं, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। और लोगों ने मिंबरों पर बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दो। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि हजरत माविया के दौरे हुकूमत के अंदर मौला अली को मिंबरों पर बैठकर गालियां नहीं दी गई। पहले मैं जो वीडियो लेकर आया था उसके ऊपर कोई भी ऐसे हकायक नहीं थे जो मैं दलाइल के साथ बात करूं या सबूत के साथ बात करूं, लेकिन आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूं इसमें तमाम सबूत जो हैं वो आपके सामने मैं शायर करूंगा। ये अगेन एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। मुआविया के दौर में हजरत अमीर मुआविया के हुक्म से हजरत अली को गालियां दी जाती थी। देखें पहले सुन्नत मेरे मुखातब है जी, ये पर्ची लिखने वाला भी वो सुन्नी है या शीन है, वो ये बातें करता रहता है, वो इसको उछालता है, गालियाँ देते हज मुआविया गालियाँ देते थे। मैं कुरान से जवाब देना चाहता हूँ, मैं कुरान से जवाब देना चाहता हूँ। कुरान कहता है वक्र रहा इलई कुमुल कुफरा वल फसूका वल इसियान, हमने मोहम्मद के यारों से कुफर को भी हटा दिया, फिस्क को फजूर को भी हटा दिया, नाफरमानियों को भी हटा दिया। एक हो गया। मेरे नबी ने फरमाया मोमिन को कत्ल करना कुफर है और मोमिन को गाली देना फिस्क है। मोमिन को गाली देना क्या है, जोर से बोलो, मोमिन को गाली देना क्या है, फिस्क है, गाली देने वाला फासिक है। और कुरान कहता है कि मेरे नबी के जो यार हैं हमने उनसे फिस्क को फजूर को क्या कर दिया है, दूर कर, तो फासिक नहीं हो सकता। एक बात आप बताएं, जिन लोगों ने ये बातें घड़ी हैं ना, उन्होंने घड़ी हैं सहाबा को बदनाम करने के लिए। खतीब गालियाँ निकालता रहता था और वो चुप करके गालियाँ सुना कर, सब का मैना गाली होता है, लोगों को खराब करते रहते हो, सब का मैना गाली नहीं होता, सब का मैना होता है किसी पे तनकीद करना, उसके रवैये पे तनकीद करना, वह सब का लफज है। ये जो हजरत मुआविया पे इल्जाम लगाया जाता है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से माज़ अल्लाह हजरत अली को गालियां दिलवाई जाती थी, ये इल्जाम भी लगाया गया ना, ये खूब समझ लो हदीस के अल्फाज में सब और शतम के लफ्ज है। सब और शतम का लाजमी तर्जुमा यह करना गालियां, ये बिल्कुल गलत है। सब और शतम किसी की पॉलिसियों पर एतराज करना, किसी को जो है वो इख्तलाफ राय करना, उसमें थोड़ा मजबूत लहजा इख्तियार करना, इसको भी सब व शतम कहा जाता है। ये वो जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ना, ये वो इल्जाम आते हैं जो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। हजरत अली का भी इस हद तक उनसे नहीं था, सियासी इख्तलाफ में तलवारें चलती हैं लेकिन एक दूसरे की जात पे नहीं कीचड़ उछाला जाता, और नहीं उछाला हजरत अली ने कीचड़, ना हजरत मुआविया ने उछाला ना हजरत अली ने उछाला, समझते हो कि नहीं समझते। अब जिस तरह वीडियो के अंदर आपने देखा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कहते फिर रहे हैं कि हजरत अमीर माविया ने कोई भी यानी कि गाली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ सब का जो है वो जुमला इस्तेमाल किया गया है और सब का मतलब तनकीद करना होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि हदीसों की किताब से पूछ लेते हैं। चलो चलो चलो। अब सबसे पहली हदीस सही बुखारी 3703। इस हदीस के अंदर हजरत सुहेल बिन साद के पास एक शख्स आता है और कहने लगता है कि ये जो आजकल मदीने का हाकिम बना हुआ है ना, ये मिंबर पर चढ़ के मौला अली को जो है वो बुरा भला कह रहा है। तो उस पर हजरत सुहेल बिन साद जो है पूछते हैं कि वो क्या बुरा कहता फिर रहा है, कि वो उनको भूत और आप कहता फिर रहा है। तो वहां पर हजरत सुहेल जो है वो मुस्कुराते और कहने लगे कि तुम्हें मालूम भी है कि भूत और आप का मतलब क्या है। भूत और आप एक लकब है, ये तो वो नाम है जिस पर हजरत अली बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया। अब बढ़ते हैं अगली हदीस की तरफ सही बुखारी की 4416। हजरत साद बिन अभी से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मौके पर यानी कि जंग तबूक के मौके पर जा रहे थे, तो वहां पर हजरत अली को अपना जानशीन मुकरर किया और वहां पर हजरत अली ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहा कि आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि आप अकेले जा रहे हैं, मुझे साथ लेकर जाइए। तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इस चीज पर राजी नहीं हो कि तुम्हारा मेरे साथ वही मुकाम है जब मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम के साथ था। ये दो हदीसें मैंने आपको बता दी। खैर मैं भी आपको हजरत अली का मकाम बताता फिर हूं, उसके बाद जो है इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब सही बुखारी के अंदर एक और हदीस है 4059। अब इस हदीस को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह हदीस किसके ऊपर है। यह है हजरत साद बिन अबी वकास कौन शख्सियत थी, मतलब उनका रुतबा क्या था। उनका रुतबा यह था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ साद तुम पर मेरे मां बाप कुर्बान, चलाओ तीर अल्लाह की राह में।
मतलब कि हजरत साद बिन अबी वकास का ये रुतबा था, ये स्टेटस था। और वो हजरत अली के बारे में क्या कहते हैं, उनकी सोच हजरत अली के बारे में क्या है कि जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वकास से कहा कि तुम अली पर लानत क्यों नहीं करते, तो उन्होंने किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, ये क्या चीजें सामने रखी, अब ये जान लेते हैं। अब सही मुस्लिम के अंदर हजरत सुहेल बिन साद के हवाले से खुली और मतलब की बहुत बड़ी हदीस है जो कि मैं अब आपको बताने लगा हूं। उस हदीस का नाम और नंबर आपको नजर आ रहा होगा 6229, इसको गौर से पढ़िएगा और मजीद मैं आपको बताता हूं। आले मरवान में से एक शख्स जो कि मदीने का उस टाइम का हाकिम बना, उसने हजरत सुहेल बिन साद से कहा, उनको हुक्म दिया बल्कि कि तुम अली को जो है बुरा भला कहो। उन्होंने कहा कि मैं उनका बुरा भला नहीं कह सकता, यानी कि उन पर सब नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम अगर उन पर सब नहीं कर सकते तो तुम ये कहो कि भूतुराब पर अल्लाह की लानत हो, नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि भूतुराब जो है ये तो हजरत अली का फेवरेट नाम है, उनको ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम दिया था, जो कि मैं आपको पहली पहली हदीस में बता चुका हूं। अब सही मुस्लिम की ये हदीस है 6220, हजरत मुआविया ने हजरत साद बिन अबी वकास को बुलाया और कहने लगे कि मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कौन सी ऐसी चीज ने रोका हुआ है जिसके बिहाफ पर तुम हजरत अली, यानी कि हम हजरत बोल रहे हैं, कि तुम अली को जो है वो सब नहीं करते, अली पर लानत नहीं करते, अली को बुरा भला नहीं कहते, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन बातें सुनी थी हजरत अली के हवाले से, जब तक मुझे वो याद है मैं कभी भी इस तरह की जो है बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उस पर हजरत मुआविया ने कहा कि कौन सी वो तीन बातें हैं, तो हजरत साद बिन अबी वकास ने पहली बात बताई कि जब आप जंग पर जा रहे थे तबूक के मौके पर, तो आपने कहा कि तुम्हें मैं अपना जानशीन छोड़कर जा रहा हूं इन बच्चों और औरतों के पास। उस पर हजरत अली ने कहा कि मुझे आप अपने साथ लेकर जाइए, बच्चों औरतों में मत छोड़िए। तो हजरत अली को उन्होंने कहा कि तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हारा मेरे साथ वही मुकाम है जो कि मूसा का हारून के साथ था, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ये पहली। दूसरी चीज, गज़वा खैबर के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैं ये झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जो कि अल्लाह रसूल से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल भी उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब जब ये सारे अल्फाज सुने बाकी साहबा ने, तो उन्होंने सोचा, सरगोशियां की कि यार वो शख्स कौन होगा, नबी पाक किसका नाम लेंगे। तो उस पर हजरत अली का नाम जो है वो बुलंद हुआ और हजरत अली उस टाइम एक बीमारी में मुब्तला थे, आंखों की बीमारी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन उनकी आंखों में लगाया, उसके बाद वो ठीक ठाक हुए और फिर वो झंडा उनके हाथ में दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह खैबर को हजरत अली ने फतह भी किया और जब ये आयत उतरी ठीक हो गया। तीसरी चीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घराने को खड़ा किया जिसमें हजरत अली हैं, हजरत बीबी फातिमा हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन हैं और अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि ऐ मेरे रब, ये मेरा घराना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपना घर बता रहे हैं अहले बैत, जिनके बारे में इतना बड़ा लकब दिया गया भूतराब, बड़ी प्यार और बड़े मोहब्बत से तीसरे नंबर पर आपके हाथ में झंडा दिया गया, आपने खैबर को फतह किया अल्लाह पाक के तवक्कल से, अल्लाह पाक की वजह से, और वो कौन शख्स है, हजरत अली, के वो अल्लाह और रसूल से बहुत प्यार करता है और उसी तरह से अल्लाह रसूल भी उससे बहुत प्यार करते हैं। अब ऐसे शख्स पर तनकीद करना, ऐसे शख्स पे सब करना, लानत नाउज़ुबिल्लाह उसको देना, बुरा भला कहना, मिंबरों पर चढ़ा के लोगों को बुलाना, उकसाना और उनसे कहना, वो लोग पक्के ईमान के, वो कहने कि हम ये गुस्ताखी गलती नहीं कर सकते, मगर हजरत अमीर मुआविया करवाते फिर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि जिसका ये मुकाम है कि अल्लाह रसूल उससे राजी है, मोहब्बत करते हैं, उस शख्स को आप लानत दिलवा रहे हो, तो फिर आप एक दिन के अंदर हजरत मुआविया और हजरत अली की मोहब्बत को कैसे रख सकते हो। तो खैर, ये वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा आदि टेक को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।